हेलो गाइज, मैं हूं अमित सिवान और इस वीडियो में मैं आपको सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए ऑब्जेक्शन के सोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो अभी मैं आपके साथ सोर्स शेयर कर रहा हूं वो 6 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो उनके लिए मैं ऑब्जेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरा जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो B4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर को मैच कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कि क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस को रखा है जिसको आप चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आप फर्स्टली चेक कीजिए 67 क्वेश्चन को, जिसमें महाभारत काल में हरियाणा के नाम के बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर रहने वाला है बहुधानक्य। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये आपको वेबसाइट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये है haryanagovernment.in वेबसाइट पे हरियाणा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो उसके आपके लास्ट में महाभारत काल से ही हरियाणा को भरपूर अनाज बहुधान्य के और विशाल धन बहुधन की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं और इसके लिए वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्शन को लगाने के लिए तो आप यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन को जिसको आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए आपको वो है 17th क्वेश्चन B4 कोड के अनुसार, जिसमें पूछा गया है महारत्न नवरत्न एंड मिनी रत्न की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। तो उसमें आंसर रहने वाला है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसको PSUs बोलते हैं, और इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑब्जेक्शन का प्रूफ अगर मैं बताऊं तो ये एक NCERT का पेज है जो कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ। चैप्टर क्या है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक चैप्टर है जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। जो आपको पता लगाना है वो ये है, द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज PSEs एंड डिक्लेयर देम एज महारत्न नवरत्न एंड मिनी रत्न। सो करेक्टली आपका ये लाइन पूछा गया था और ये इसका क्लासिफिकेशन का रीज़न है। जो PSE का यहाँ पे मतलब होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसको आंसर में ले सकते हैं। सो इसका आंसर रहने वाला है थर्ड ऑप्शन। इसके नेक्स्ट अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ वो है 36 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू B4 कोड इतिवर्त का मीनिंग क्या है। तो जो आंसर की में दिया गया है वो फोर्थ ऑप्शन बताया गया है, वर्तांतों का घटनाक्रम जो कि फोर्थ है, लेकिन अगर आपने सेकंड सेलेक्ट किया है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट मैंने बताई है जहाँ से आंसर को लिया गया है, क्योंकि मीनिंग है यहाँ से NCERT का मिलना बहुत रेयर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग इट अ टाइम। मीट यू विद अ न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल लाइक दिस। थैंक यू अगेन।